शुएब अख्तर बहुत इंथुजियास्टिक, खैर उनका मैंने खबर देखी, उन्होंने कहा कि मैं चेयरमैन से कम कोई ओहदा नहीं लूंगा, वरना बड़े इंथुजियास्टिक हैं वो भी। हाँ तो फिर उन चेयरमैन ही बनते हो, फिर उसकी भी गल्ला पता नहीं कौन कौन क्यों सीरियस लेते हैं सारे, आई रियली डोंट नो। जिस बंदे को तमीज नहीं है ना उसको कुछ नहीं पता जिंदगी में। स्केयर्स है और थकी हुई हिंदुस्तान टीम पहुंचे कहां पे? वर्ल्ड कप के लिए यूएई में। और पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान हैज अ ग्रेटर चांस टू विन दिस, मैं बार बार कह रहा हूं, पाकिस्तान मे लूज द टेस्ट सीरीज हियर, पाकिस्तान मे बी गेट ह्यूमिलेटेड इन द सीरीज ऑफ अगेंस्ट वेस्ट इंडीज आइदर इंग्लैंड टिल द वर्ल्ड कप नाउ, बट पाकिस्तान हैज अ ग्रेटर चांस टू विन इन द वर्ल्ड। हिंदुस्तान जिसकी 1,300 करोड़ आबादी है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं फिर वापस आ गया हूँ आपके सामने एक नई YouTube वीडियो के साथ। गाइज अगर आप वीडियो का मेन हिस्सा देखना चाहते हैं तो वीडियो को थोड़ा सा स्किप करके आगे बढ़ाएं और सीधे वीडियो की मेन भाग पर पहुंचें। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रहेगी रिक्वेस्ट, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके मेरे आने वाली वीडियोज़ की। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के पहले वीडियो को देखते हैं, फिर करते हैं वीडियो के बारे में अंतिम भाग वर्ल्ड टी ट्वेंटी के हवाले से। और कवर भाई अजी, सबसे बड़ा एडवांटेज हम डिस्कस ही नहीं कर रहे, लेकिन लाइफ ने हमें एक लेसन दिया कि गुज़श्ता साल जब वर्ल्ड टी ट्वेंटी नहीं हुआ, सब कुछ बंद था, तो पता चला हर चीज़ को ग्रांटेड नहीं ली जाती, हर चीज़ की एक वैल्यू है, कि क्रिकेट देखना भी एक प्रिविलेज और एक ब्लेस होता है आपके लिए कभी कभी, जो हमें नहीं मिल रही थी। लेकिन ये सबसे अच्छी बात है, एक तो सबसे पहले कि वर्ल्ड टी ट्वेंटी इज हैपनिंग नाउ इन यूएई, और फिर उसमें चार टीमें अनाउंस हुई। कमर भाई पाकिस्तान तो अनाउंस हो गया, बहुत बात हो गई मेरे ख्याल में, अब ना ही करें तो अच्छा है, बट इंडिया यस्टरडे अनाउंस। और एक छोटी सी मैं आपसे बात पूछूंगा, वहाँ भी एक सरप्राइजिंग चीज़ हुआ, दे इंक्लूड धोनी एज अ मेंटोर। नाउ सुनील गावस्कर इज एक्चुअली आस्किंग अ वेरी राइट क्वेश्चन, ही सेड के इतना बड़ा इन्फ्लुएंस है रवि शास्त्री का इस टीम पर अलॉन्ग विद विराट कोहली, एंड दे नोज अ वेरी वेल बाउंड सॉर्ट ऑफ फैक्टर, सडनली केम द एमएस धोनी इन द ड्रेसिंग रूम। यू थिंक ये पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? आई थिंक इट इज नॉट पॉजिटिव रियली, तो मैं मेरी नजर में तो नेगेटिव है। मे बी गुड फॉर द प्लेयर, बट मैनेजमेंट थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गया समझते हैं आप? बिल्कुल हो जाएगा वो, इसलिए कि अचानक आप एकदम से उठा के लेके आ जाएं जो शख्स बाहर है, तो लोग अनकम्फर्टेबल तो हो जाते हैं ड्रेसिंग रूम में भी, और खिलाड़ी भी चंद जो कि हो सकता है कि उनके उससे तल्लुकात सही ना। अश्विन जो कि सीएसके में, जो कि वो सीएसके के आपको पता है कि बहुत अच्छे तक कप्तान रहे और अब उसके अंदर बाकी चीज़ संभाल रहे हैं, अश्विन को भी ले आया। अश्विन 4 साल से वर्ल्ड टी ट्वेंटी की टीम बनी थी, तो इसका मतलब है कि एमएस धोनी को कहीं ना कहीं सौरभ गंगुली ने कुछ फ्रीडम भी दिया था। और इस पर बड़ी बात हो रही है भारत में, आप समझते हैं कि ये अननेसेसरी सॉर्ट ऑफ थिंग हो गई, इसकी जरूरत नहीं थी, बहुत सेटल टीम है, शायद एमएस धोनी कभी बाद में आ सकते थे, उनका नाम तो बहुत बड़ा है, इसमें कोई शक ही नहीं है, ये प्रूफ लॉट ऑफ बल्कि जितनी टाइटल जीते शायद ही किसी ने जीता, बट इस पर बड़ी कन्फ्यूजन है इंडिया में भी। देखिए बात दरअसल ये है कि गंगुली न सिर्फ उनके टीममेट रहे हैं, उनके कप्तान भी रहे हैं, तो वेरी रिस्पेक्टेड हैं एमएस धोनी। धोनी वाज अ ग्रेट प्लेयर, कैप्टन और एज ए कैप्टन भी, तो मैं समझता हूँ कि ये जो पर्सनल जाती तौर से जो कमरेडरी होती है, ताल्लुकात होते हैं, फ्रेंडशिप होती है खिलाड़ियों की आपस में, वो कहीं कहीं उभर के आ जाती है। तो मैं कैसे रिस्पॉन्सिबल पोजीशन में सौरभ गंगुली है कि वो लोगों को प्लीज भी करना चाह रहे होंगे कि कहीं ऐसा ना हो कि लोग उंगली उठाएं कि देखिए जी ये आया पावर में तो हमें लिफ्ट नहीं कराई, ये सारी ये प्रेशर होते हैं और ये रमीज राजा साहब को फेस करने पड़ेंगे, ये प्रेशर हर जगह होते हैं और पूरी दुनिया में इनफैक्ट होते हैं। चल, इंडिया के स्क्वाड की अनाउंसमेंट के साथ दूसरा मकसद ये था सर कि पाकिस्तान इंडिया एक ग्रुप में 24 जो है अक्टूबर को दुबई में मैच भी होना है, तो वर्ल्ड टी ट्वेंटी द फॉर्मेट जहाँ कोई भी टीम किसी टीम को हरा सकती है, बट इंग्लैंड लुक वेरी सॉरी इंडिया लुक वेरी स्ट्रॉन्ग ऑन द पेपर। ऑब्वियसली पाकिस्तान जिस तरह हमने चैंपियंस ट्रॉफी में हरा दिया था, वो टीम भी ऑन पेपर तो भारत से इतनी कंपैरिजनली स्ट्रॉन्ग दिखाई नहीं देती थी। तो आप क्या समझते हैं ये जो इतना तो हाई वोल्टेज मैच इतने अरसे बाद इंडिया पाकिस्तान होगा, आई थिंक पीपल आर वेरी एक्साइटेड फॉर दिस। देखिए जिस तरह आजकल सीरीज में इंग्लैंड में भारत की टीम कई इनिंग्स में बहुत ही लो स्कोर पर आउट हुई है, आपको पता है, और कम ऐसे लंबे लंबे स्कोर किए हैं, इंग्लैंड की टीम तो बिल्कुल बैठी हुई लगती है अपने होम ग्राउंड पर। लेकिन जब वो यूएई के विकटों पे आएंगे, जिस तरह भारत में विकटे हैं, जिस तरह पाकिस्तान में है, ठीक है, तो खेल बिल्कुल चेंज हो जाता है, द होल सिनेरियो चेंजेस।
द स्किल द स्टाइल और ये जितनी भी जो है वो माइंड सेट सब चेंज हो जाता है क्रिकेट में. ठीक है, तो जाहिर है कि दे विल हैव टू अडॉप्ट टू द कंडीशंस, चाहे वो इंग्लैंड की टीम हो चाहे वो भारत की. न्यूट्रल वेन्यू का क्या फर्क पड़ेगा, पाकिस्तान को फायदा है इसका? भारत में वर्ल्ड टी20 हो रहा था पहले, अब वहाँ नहीं हो रहा था. आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी पाकिस्तान एडवांटेज. पाकिस्तान का तो बहुत बड़ा एडवांटेज, मैंने आपको अभी इस प्रोग्राम के पहले भी कहा कि वो उनका पाकिस्तान का होम ग्राउंड रहा है. और पाकिस्तान बेटर देन इंडिया और ऑफ कोर्स, और पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं मोस्टली, ठीक है, चाहे वो किसी इलाके के हों, वो कोयटा के हों, लाहौर के हों, हैदराबाद के हों, के वो काफ़ी लड़के जाके वहाँ प्राइवेट क्लब्स में भी खेलते हैं. बिल्कुल ठीक. तो एक एक्सपीरियंस, हमारे एक टीम के अंडर 19 टीम के बहुत सारे टूर होते हैं. लेकिन लेट्स सी कि अब 24 अक्टूबर को जो है वो क्या इस मैच में होता है. कमर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, जाते जाते. तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म. आपने सुना पाकिस्तान के जो एक्सपर्ट थे उन एक्सपर्ट को, हालांकि मैं उन एक्सपर्ट के बारे में फ़िलहाल बात नहीं करने वाला हूँ. जो स्टार्टिंग की क्लिप देखी आपने, वसीम अकरम वर्सेस शोएब अख्तर चल रहा है इस समय पाकिस्तान में. एक्चुअली ये चीज़ें शुरू हुई तब जब शोएब अख्तर, आपको पता है, एक मुँह फट इंसान है और पता नहीं कुछ भी बोल जाता है. तो वसीम अकरम के बारे में उन्होंने कुछ कमेंट किया और फिर पाकिस्तान के जो एंकर, उन्होंने बोला कि शोएब अख्तर ने ऐसा बोला है कि वो पाकिस्तान के अगर मतलब पीसीबी में आते हैं तो वो चेयरमैन के अलावा कोई भी पोस्ट नहीं लेंगे. तो आप समझ सकते हो कोई बंदा ऐसा बोलेगा कि मैं चेयरमैन, मतलब जैसे बीसीसीआई के करंट चेयरमैन सौरभ गांगुली हैं, तो वैसा ही शोएब अख्तर कह रहा है कि मैं अगर पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड में आता हूं तो मैं चेयरमैन से नीचे कोई पोस्ट नहीं लूंगा. हालांकि आपको बता दूं पाकिस्तान के करंट चेयरमैन बने हैं रमीज राजा. तो दोस्तों इसी पर शोएब अख्तर के बयान पर रिएक्शन देते हुए वसीम अकरम ने बोला कि आप ऐसे बदतमीज बंदे को सीरियसली क्यों लेते हैं, इडियट. मतलब आप समझ सकते हो वसीम अकरम नो डाउट पाकिस्तान के एक बहुत बड़े क्रिकेटर हैं, शायद सबसे बड़े क्रिकेटर होंगे पाकिस्तान की हिस्ट्री के, जिन्होंने लगभग 1000 विकेट लिए हैं और बहुत सारे रन भी बनाए, एक अच्छे खासे ऑलराउंडर थे, टेस्ट में दोहरा शतक भी है और मतलब अच्छा खासा उनका एक्सपीरियंस. और पाकिस्तान को सिंगल हैंडली इन्होंने 92 का वर्ल्ड कप जिताया था. तो ये कमेंट था उनका. तो शोएब अख्तर, हालांकि आपको भी पता कि शोएब अख्तर कुछ दिनों से पता नहीं किस तरीके की बातें करते हैं, गजवाए हिंद ये वो, तो शोएब अख्तर का थोड़ा सा ऊपर का हिस्सा भी हिला हुआ है, इसमें कोई मतलब कोई संदेह करने की बात नहीं है. दोस्तों दूसरा डिस्कशन पाकिस्तान में हो रहा था, MS धोनी को टीम इंडिया का मेंटर बनाया गया है, उसको लेकर पाकिस्तान के ये बुढ़ऊ एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि ये जो मतलब MS धोनी को एक्सपर्ट बनाया गया है ये दिक्कत कर सकता है, मतलब उल्टा पड़ सकता है. तो मुझे नहीं पता ये उल्टा पड़ेगा या सीधा पड़ेगा. आपको भी पता है क्रिकेट एक अनप्रिडिक्टेबल गेम है और इसमें जो अंदर 11 खेलते हैं वही खेल सकते हैं, MS धोनी बाहर से कर सकते हैं जो कुछ कर सकते हैं. तो ये भी आपको पता है, ये तो समय बताएगा. स्पेशली T20 एक ऐसा गेम है जिसमें कुछ भी कभी भी कुछ हो सकता है, तो इसमें कोई डाउट नहीं. दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें.